अरे बस भाई इसके बारे में आपके क्या कहना है? आजम खान कौन सी पार्टी में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी किसको अपनी पार्टी में लेगी, ये उनका राजनीतिक अपना मसला हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता में एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब कोई किसी को पार्टी में ले अथवा ना ले, कोई किसी के साथ अलायंस करे अथवा ना करे, उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अपने नेतृत्व के रूप में स्वीकार लिया है, जिसका प्रतिफल है कि 2022 के असेंबली के चुनाव में भी प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया है। इसलिए आजम खान के कांग्रेस में जाने से या कहीं जाने से अपने प्रदेश के अंदर फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगातार समाजवादी पार्टी है और भाजपा क्या अखिलेश यादव जी को या समाजवादी पार्टी को अपने समय काल को याद करना चाहिए। 2012 से 2017 के मध्य उत्तर प्रदेश के लोगों ने बिजली की कटौती को झेला है। एटा इटावा मैनपुरी आजमगढ़ के अलावा बिजली कहीं मिलती नहीं थी। हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में निर्बाध तरीके से बिजली मिली। हाँ, कुछ समय के लिए दिक्कतें आई थी, कुछ ग्रिड फेल हुए थे, कुछ कमियां रही थी, तो हमारी सरकार ने समय रहते उससे उबार लिया है और बिजली की आपूर्ति पुनः सामान्य हो रही है। मंत्री जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में बता रहे न्यायालय अंतिम फैसला करती है, न्यायालय का अंतिम निर्णय होता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की निगाह में दोषी है तो दोषी माना जाता है। इसलिए जब तक कोई दोष सिद्धि ना हो, किसी को इल्ज़ाम तराशी करना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं। धन्यवाद।